क्या चल रहा है तुम्हारा? बाप बेटी का मसाज। बाप बेटी का मसाज चल रहा है? पहले मम्मी का मसाज हुआ, फिर बेटी का मसाज हो रहा हाँ, वो मुझे बोल रही है कि मम्मी का मसाज किया अभी तुमने, अब चलो मेरा करो। ये मेरा थोड़ा भी हाथ ज्यादा ही पाँव, नहीं हो रहा है अभी? मेरा हाथ पाँव दुख रहा है ए, बहुत। ए, बढ़िया ही, मेरे पास तो नहीं आती, बराबर पापा के पास जाके मसाज कराएगी। पैर भी दबाओ, पैर दबाओ, हाथ दबाओ, सर दबाओ। पीठ दबाओ, पीठ में से मालिश करो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवोली नादी ओएमजी गर्ल। सो जैसे कि हमने अभी कल ही हम लोग डॉक्टर के पास से आए थे, एंड डॉक्टर ने कहा है लाइक यू नो फुल टर्म ऑलमोस्ट यू नो ख़त्म हो चुका है, लाइक ख़त्म हो रहा है, एंड कभी भी यू नो हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है डिलीवरी के लिए। सो हमने अभी तक कोई पैकिंग की नहीं है, तो वही मैंने सोचा कि आज पैकिंग कर लेते हैं, ताकि अगर इमरजेंसी में जाना पड़ा या ऐसा कुछ भी हुआ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आज नहाते नहाते भी बहुत लेट हो गया मुझे, अच्छे से मैंने अपना हाथ पैर सब दबवाया है शान से। सो उसके बाद हाथ पैर दबाने के बाद इतना थक गया, खाना खाना पड़ रहा है उसको। खाना मैंने दोपहर में खाया था, एकदम फुल चार्ज था, इतना दबवाया, इतना दबवाया कि फिर से मुझे भूख लग गया है, खाना खाना पड़ रहा है, रोटी सब्जी। तो एंजल का भी मसाज किया मैंने। हाँ, एंजल का भी मसाज हो गया, मेरा भी मसाज हो गया, तो इसलिए थोड़ा लेट नहाई हूँ आज। एकदम रिलैक्स, अभी भी फेस पे थोड़ा थोड़ा ऑयल दिख ही रहा होगा मुझे ना, ये पिगमेंटेशन हो रहा है, पता है इससे? लेकिन से यहाँ पे एक पिगमेंट आ गया है मुझे, अभी डिलीवरी के बाद ही वो सब ठीक करना पड़ेगा, अभी तो कुछ कर भी नहीं सकती। बट देर आर फ्यू प्रेगनेंसी टिप्स यू नो स्किन के हो या खाने के हो, जो बेसिकली मैं फॉलो कर रही हूँ, वो मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ बाद में किसी वीडियो में। इनफैक्ट मसाज करने के बाद तो मुझे भी भूख लगी थी, सो इवन मैं भी एप्पल खा रही हूँ। और अभी थोड़ी देर में, क्योंकि कल ही हम लोग पाइनएप्पल भी लाए हैं, तो अभी थोड़ी देर में फिर पाइनएप्पल भी खाऊंगी मैं। पाइनएप्पल मुझे बहुत पसंद है, बट प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए होता है, प्रेगनेंसी में नहीं खाना होता। सो जनाब मुझे अभी कैमरा दूर पकड़ो, पास पकड़ो, जूम करो, ये सब सिखाते हैं आप। मतलब अभी मुझसे भी अच्छा वीडियो और एडिटिंग, तो मैंने वही बोला है कि अभी तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो तुम्हें ही सब कुछ करना पड़ेगा, वीडियो वगैरह बनाना पड़ेगा। वीडियो तो वो अच्छा बना लेते हैं, अभी एडिटिंग वगैरह सब करना पड़ेगा अच्छे से। सो आई एम श्योर कर ही लेंगे, ताकि आप सबको जो ये हमने आदत दिलवाई है दोनों चैनल की, ये आदत छूटे नहीं। बट यस, सो यू नो बहुत लोग शायद कंफ्यूज हो रहे हैं ये हमारे दोनों चैनल्स को लेके। सो वन इज़ देवोलीना दी ओएमजी गर्ल एंड वन इज़ देवोशान वीलॉग्स। सो हमने डेज वैसे डिवाइड किए हैं लाइक अपलोड करने के लिए, तो जैसे ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे देवोशान वीलॉग्स में हम लोग प्रॉपर वीलॉग्स एंड वीडियोज़ डालेंगे, एंड बाकी डेज पे जब भी हो सके पॉसिबल हम लोग शॉर्ट्स डालेंगे। एंड देवोलीना भट्टाचार्य दी ओएमजी गर्ल में हम लोग वेंसडे एंड सैटरडे वीलॉग्स या वीडियोस, ऐसा जो भी है, जो भी बन पड़ेगा, हम लोग अपलोड करेंगे, एंड उसी में से एक दो दिन हम लोग शॉर्ट्स अपलोड कर देंगे। सो आपको बारी बारी करके, ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए कि अल्टरनेट डेज पे, अल्टरनेट चैनल्स पे आप लोग हमारे वीडियोस देख सकते हैं। सो आज का ये वीडियो है कि हम अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या डाले। ऑनेस्टली हमारा ये पहला ही बच्चा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पता, बट देन मेरे नीस के जब लास्ट डे मेरे भाई की जब बेटी हुई थी, तो मैंने थोड़ा बहुत देखा था कि क्या क्या एसेंशियल होता है लेके जाना, एंड देन देर आर लॉट ऑफ वीडियोज़। आजकल तो सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बट स्टिल
शायद कुछ छूट जाए, नहीं छूट जाए, बट विल ट्राई कि कुछ नहीं छूटे और हम सब पैक कर ले अच्छे से। सो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी कि हम लोग क्या क्या लेके जाने वाले हैं हॉस्पिटल, और अगर आप लोग को ऐसा लगे कि कुछ छूट रहा है सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा ताकि वो सामान मैं रख लूँ और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ऑलमोस्ट हमारी पैकिंग हो चुकी है, सो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या यू नो मैंने लिया है। आई डोंट नो कितना सामान लगेगा कितना नहीं, बट स्टिल सबसे पहले तो ऑफकोर्स ये डायपर्स लिए हैं, वो टेप वाले लिए हैं मैंने, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लास्ट ईयर भाई की बेटी हुई थी तो उस टाइम पे भी हमने देखा था। सो मतलब मुझे कंफर्टेबल लगा था बेबी के लिए जो टेप वाले होते हैं ना, वही वाले। सो मैंने अभी भी अपने बच्चे के लिए भी टेप वाले ही लिए हैं। एंड देन आई पैक्ड सम ये स्वेडल करने के लिए, रैप करने के लिए ना, पहले जैसे मलमल के कपड़े में रैप करते थे वगैरह, तो आजकल ऐसे रेडीमेड्स कपड़े मलमल में अच्छे प्रिंट्स में आ जाते हैं। ऑफकोर्स सब कुछ आजकल अवेलेबल है मार्केट में, सो ऐसे मैंने स्वेडल करने के लिए थोड़े रखे हैं ज़्यादा करके, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े हैं, कोई कुछ थोड़े छोटे हैं, तो ऐसे मैंने रखे हैं। एंड देन दिस प्लास्टिक शीट्स, आई थिंक प्लास्टिक शीट्स मुझे और थोड़े लेने पड़ेंगे, मैंने ज़्यादा लिए नहीं हैं, मतलब जब ही वो पी करने के लिए टाइम पे लगता है ना बेड पे लगाने के लिए, तो ऐसे दो रखे हैं, बट वो धीरे धीरे लेंगे फिर। एंड ये एक मैंने ये भी स्वेडल ही है, लाइक रैप बेबी को रैप करने के लिए, बट देन दिस इज हाँ बट दिस इज लाइक रेडीमेड काइंड ऑफ थिंग, सी ऐसा, ये मतलब ऐसे खोल सकते हैं आप, सो बेबी को ऐसे अंदर डाल सकते हैं, पैर इधर आ जाएगा एंड देन ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसा। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत। Yes, and then टोपीज भी लिए मैंने, बहुत क्यूट है, है ना। बॉम्बे में अभी पता नहीं अचानक से ठंडी हो गई, लास्ट ईयर ठंडी नहीं थी, पर ये साल थोड़ी थोड़ी भी हल्की हल्की सी ठंडी है, सो आई फील बेबी को तो लगेगा। वैसे भी बोलते हैं कि बेबी जब बॉर्न होता है तो मम्मी और बेबी दोनों को ही ठंडी लगती ही है, तो वो तो मुझे अभी पता चलेगा। देन एक ये थोड़ा हैवी ब्लैंकेट लिया है मैंने, ब्लैंकेट ज़्यादा नहीं लिए, एक ही मैंने ऐसे हैवी वाला खरीदा है, क्योंकि इधर इतनी गर्मी इतनी ठंडी पड़ती नहीं है, बट फिर भी मैंने एक तो ले ही लिया है। एंड देन ये पतले ब्लैंकेट्स हैं, सी दिस इज सो सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, देखो। हाँ, ये टॉवल में भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं, और ये भी मुंह पोंछने के लिए नहीं दिया है, ऐसे लगा चेक करने के लिए दिया है कितना सॉफ्ट। मैं वही चेक कर रहा था कि कितना सॉफ्ट है ये, चेक कर रहा था मुंह पोंछ रहा है। फिर ये अभी कपड़े कितने ब्यूटीफुल है यार, कपड़े तो मैंने भर लिए, मंकी पता नहीं अभी लड़का है लड़की है, मैंने सारे कलर्स के कपड़े ले लिए भाई। हाँ, लड़का होगा तो सबसे पहले बंदर वाला ही पहनाऊंगी मैं, और अगर लड़की हुई पिंक। तो पिंक ये क्या है हाथ में? नहीं नहीं, मैं लड़की को ऐसे छुई मुई लड़की नहीं बनाऊंगी, तो पिंक विंग पहना के मैं येलो ब्लैक बना दूंगी उसको, ब्लैक बेल्ट बना के ऐसा 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 कुछ पहना सकती हूँ। फिर ये क्यूट है, ये बहुत अच्छा है ऐसा। और कॉपी आ गई, ये देखो ये बहुत अलग है, ये अलग तरीके का टी-शर्ट, दुनिया वहीं पे, ये टी-शर्ट बहुत अलग तरीके का है। नीचे से बांधने वाला है ये? हाँ हाँ, ये देखो पूरा कवर्ड है, मतलब क्योंकि ना बेबी को अभी मुझे नहीं पता बच्चा कितना टॉलरेट करेगा कितना नहीं, अभी हर बच्चे का अलग अलग होता है, तो कोई कोई बच्चा गर्मी नहीं सहन कर पाता, कोई कोई बच्चे को बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, तो डिपेंड्स कि अभी जब भी बच्चा होगा उस टाइम पे ही देखा जाएगा। अभी तक मैंने उसके लिए इसके लिए कोई पैंट्स वगैरह नहीं लिया है, क्योंकि कुहू के टाइम में देखा है ना इतने पैंट्स थे पर वो एक भी नहीं पहनी थी, डायपर ही पहनी थी और ऐसे कपड़े पहनते थे, और क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कंबल दे के ही रखते थे तो उसको बहुत गर्मी होती थी, और ठंडी के मौसम में
आसाम की ठंडी मतलब क्या ठंडी होती है सोचो, तभी भी उसको गर्मी, आसाम में तो बहुत ठंडी होती है भाई, तभी भी उसको गर्मी होती थी। तो इसके लिए मैंने अभी पैंट्स नहीं लिया, अगर लगेगा तो तुम आके ले लेना मार्केट से। ओके नो प्रॉब्लम। ये ऑरेंज टी शर्ट में क्या है, पांडा? ये बनाऊंगी मैं पांडा, अगर लड़की हुई तो अगर लड़का हुआ तो बंदर वाला पहनाऊंगी। ये भी देखो कितना क्यूट है, ब्लू वाला। ये भी बहुत मस्त, इसमें खरगोश है, टेडी बेयर है, स्क्यूरिल है, पेंगुइन है, बहुत सारा कुछ है। अच्छा है काफी, है ना। अभी एक दो महीने के लिए तो कपड़े हैं बच्चे के, सो इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। ये भी लगेगा तुमको, सब लगेगा। ये तो अभी नहीं लेके जाऊंगी, ये एक लेके जाऊंगी क्योंकि हॉस्पिटल से आने के टाइम पे शायद हमको ये लग जाए। हाँ, ये मतलब वो कंबल एंड स्वेडल टाइप भी है, मतलब से गोदी में भी ले सकते हैं, तो ऐसे ये कंबल की तरह भी यूज करके बच्चे को सुला सकते हैं। तो उसको ऐसे करके पैक करके और ऐसे फिर ऐसे पकड़ के ला सकते हैं। हाँ, तो ये लेके जाऊंगी, वो मोटा वाली, ये तो बेडिंग है, पूरा प्रॉपर बेडिंग है बच्चे का, तो ये काम आएगा। मैं वही सोच रही हूँ, हमारा बेड इतना छोटा है, और वो क्या टॉवल रखा है वहाँ पे। हाँ, टॉवल मतलब ये भी वो रेडीमेड वाले स्वेडल से है। हाँ, ये बहुत मस्त है ये। आई लव यू डैड। हाँ, ये मैं सोचो कि सिर्फ तुम्हारे लिए लिया है, मेरे लिए भी लिया, आई लव यू मॉम भी है, निकाला नहीं है। ये थोड़े बड़े बड़े हैं, थोड़ा बच्चे बड़े हो जाएंगे तभी। हाँ, थोड़े मतलब बड़ा होगा तो फिर यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा है, कोई पतला सा जैसे है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट, और ये भी सॉफ्ट, पर इतना नहीं लेके जाएंगे हॉस्पिटल में, आई डोंट थिंक सो लगेगा हमको। ये भी बहुत लग जाए क्योंकि जब ही फर्स्ट डे तो आई गेस वो उसमें ही रखते हैं ना बच्चे के, जो बेबी केयर होता है, बट सेकंड डे दिन मदर के पास आ जाता है, तो उस टाइम पे बेड पे बेडिंग पतला सा लगाने सॉफ्ट करने के लिए सॉफ्ट, हाँ, तो हम लोग ये रख सकते हैं। एंड देन आजकल तो ये भी मिलता है डाइट, हमने कितने वो देखे ना, ये भी वो स्वेडल टाइप ही है इसमें, लेकिन वो चेन वाले है। कितने अलग अलग सामान, एक ही चीज का सामान बट अलग अलग वेराइटीज में। कैसे खिलाओगे बच्चे को लेके, बताओ एक बार, बता मुझे कैसे खिलाओगे जरा, देखो तुम्हारा। हाँ, मैंने कुहू के टाइम पे, एक बार मैं देखना तो पड़ेगा ही, कुहू के टाइम पे सब प्रैक्टिस कर ले। चलो तो देखते हैं यार, इसमें थोड़ी लूंगी बच्चे को, तो ऐसे लूंगी। और पहले पहले तो एक दो दिन, हाँ, पहले पहले वो चम्मच से थोड़ा थोड़ा दूध पिलाना पड़ता है। हाँ, ऐसा, और फिर क्या, फिर तो ऐसे सुलाना पड़ता है, फिर बर्पिंग करना पड़ता है, मैंने बर्पिंग भी किया है, फिर मैंने कुहू के टाइम पे मैंने मसाज भी किया है। जस्ट कि मुझे थोड़ा रिकवर होने के लिए जितना टाइम लगेगा, भगवान करे कि मैं तो 5 दिन 6 दिन में मैं रिकवर हो जाऊँ, अपने पैर पे खड़ी हो जाऊँ, उसके बाद तो मुझे टेंशन नहीं, बट वही है बस रिकवरी टाइम तक ही मुझे टाइम चाहिए, उसके बाद तो मैं बच्चा का खुद मैं मसाज करूँगी, खुद मसाज करूँगी उसका, एकदम मस्त, एकदम पूरा तगड़ा बनाऊँगी पूरा मसाज करके। बहुत लोग नहीं लेते हैं बहुत सारे मेडिसिंस, स्पेशली फॉलिक एसिड, तो ये सब का मैं अलग से आपको वीडियो बना के बताऊंगी। एंड दैट्स ऑल, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय।